नेशनल हॉकी स्टेडियम की पिच टू पर कनेड कॉलेज स्पोर्ट्स डे के सिलसिले में खेले गए मैच में यूनिवर्सिटी इलेवन ने बोर्ड इलेवन को 2-0 से शिकस्त दी। मैच के पहले हाफ में कोई टीम गोल स्कोर ना कर सकी। दूसरे हाफ के इब्तदाई लम्हात में यूनिवर्सिटी इलेवन की जानब से मिनाहिल हुसैन ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। खेल के 45वें मिनट में कप्तान राबिया सरवर ने दूसरा गोल करके टीम की बढ़तरी को दुगना कर दिया, जो मैच के आखिर तक बरकरार रही। खिलाड़ी जहां खुशगवार मौसम में खेल से महजूज होती रहीं, वहीं वो 2013 में भी अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरअज़म दिखाई दी। जूनियर्स में टैलेंट है बट एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट करता है जहां तक गेम की बात आती है, और इंशाल्लाह सीनियर्स जीते हैं और आगे तक जाएंगे। जूनियर्स भी इंशाल्लाह देयर फॉलोइंग अस, बट यूनिवर्सिटी विल इंशाल्लाह बीट देम। हमारा बहुत इंटरेस्ट है हॉकी में और हमें पूरी एक्सपेक्टेशंस अपनी टीम से भी और अपने से भी कि हम पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ आगे भी खेलेंगे और स्पोर्ट्स डे के बाद भी इतने अच्छे एफर्ट करेंगे कि हर टीम के साथ विन करेंगे। मौसम बहुत ज़्यादा इंजॉय करा हम लोगों ने, और क्या ऑब्वियसली जब मौसम भी अच्छा है और टीम की कोऑर्डिनेशन भी अच्छी थी तो उससे ज़्यादा हमारी एफर्ट और ज़्यादा हो गई और ज़्यादा लेवल आ गया और हमने बहुत अच्छा खेला उसका। कनेड हॉकी टीम की मैनेजर समन जुनेद का कहना है कि खिलाड़ी बेहतर अंदाज में तैयारी कर रही हैं। रवां साल होने वाले इवेंट्स में भी कनेड कॉलेज की फतवाहत का सिलसिला जारी रहेगा। इन्होंने बहुत अच्छा अपना शो कराया, इंटरेस्ट शो कराया कि नहीं हम लोग में अभी भी इतना है कि नहीं, बेशक स्टार्ट है कोई रिलैक्सेशन नहीं है गेम के लिए, वो चाहते हैं कि नहीं हम लोग बहुत अच्छा करें, स्टार्ट अच्छा करेंगे तो थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छे ही रहेंगे ये सब। टीम इंतजामिया के मुताबिक मैच की फतेह यूनिवर्सिटी इलेवन को फरवरी के दूसरे हफ्ते में होने वाले कनेड स्पोर्ट्स डे के मौके पर गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ एजाज वसीम, बाकरी सिटी 42।